That is happening. Oh my god. We are on our way to India Gate. Okay, भैया finally पहुंच गए हम कुछ डेढ़ घंटे के बाद इंडिया गेट. क्या क्या बोला तूने? हम आए हैं इंडिया गेट का. फिर से आ गए रे बाबा. मॉर्निंग. मैं हूँ इस वक्त चिल्बी ए के दीपांशी के घर. कल रात को हुआ क्या? वी वर ऑल वेरी वेरी टायर्ड. बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया हमने. फिर दीपांशी बोली कि चलो अब मेरे घर, मेरा घर सबसे पास है. तो एक्चुअली दैट वॉज रॉन्ग. हमारा होटल वॉज सबसे पास. नहीं बट शी सेड कि नहीं घर चलना है आपको. सो वी आर हियर एट द हाउस. अभी वो तैयार हो रही है क्योंकि हमको वापस अपने होटल जाना है, तैयार होना है एंड देन आई विल बी मीटिंग समबडी. तो 9 बजे तक पहुँचना है मुझे. बहुत नींद में हुआ मैं. वी स्लेप्ट एट अराउंड 4ish एंड देन वी वोक अप एट लाइक 6-6 बजे का अलार्म लगाए थे. वी वर सपोज टू गो टू द बीच बट 4 बजे सो के इंसान कैसे 6 बजे उठ सकता है? नहीं उठ सकता. तो इसलिए फिर हम 7 बजे उठे और 7 बजे उठ के हम तैयार हो गए हैं. आई एम लिटरली लिविंग इन दिस शर्ट ओनली. कल आई वॉज वेयरिंग समथिंग एल्स, लाइक अंदर मैंने टॉप पहना हुआ था, उसके ऊपर ये शर्ट सिर्फ कवर अप के लिए डाली हुई थी मैंने. बट अभी मैंने सब निकाल दिया. आई जस्ट वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल. वाओ, बाहर से हो सकता है बहुत शोर आ रहा हो बिकॉज जस्ट सामने मेन रोड है, चिड़िया चहक रही हैं, अंशिका तैयार होने गई हुई है. अच्छा, दैट्स द अपडेट सो फार. मेरा पूरा शरीर टूट रहा है और सोना है मुझे. ओ बाय द वे, आज हम जा रहे हैं ज्योति के घर. क्या 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 क्या? मैंने कि ज्योति सेठी के घर. वाओ, समबडी इन फैक्ट कमेंटेड ऑन माय वीडियो कि यू शुड कोलैब विद ज्योति. दैट इज हैपनिंग. ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड. आई एम फाइनली कोलैबिंग विद ज्योति. सो हम 2-2.5 बजे के आसपास पहुंचेंगे एंड वी हैव आवर चिल्बी. सो बस दैट्स द अपडेट. फटाफट से पहले होटल पहुंचना है, तैयार होना है एंड देन और आगे की बातें. A few moments later. व्लॉग करने वाला था. क्या हुआ? सब रहे हैं. हंस गए. हम सोते ही हैं. हाँ, जाते ही सोते. तू ही सोई है सबसे ज़्यादा. हम तो उठे हुए 6 बजे. सबसे पहले ये उठी थी. होटल और हम खा रहे हैं खाना. नींद के नशों में भी है, झूम रहे हैं. हाँ, झूम. मैं तो सो गई आके यहाँ पे, पर अभी और नींद आ रही है. नींद का तो फिर अब कोई खत्म तो है ही नहीं. नींद खा रहे हैं लहसुन का. लहसुन का साग. दीपांशी लहसुन नहीं खाती है. तो वी हैव आलू भाजी, पराठा, फ्रूट्स एंड सम कॉफी. कोई नहीं, नीडेड कॉफी. और ये काम उसको बुला रहे तब से आ नहीं रही है, काम करे जा रही है बस. आज मैडम हमें गोरई बीच ले जा रही थी जो होना पाया क्योंकि किसी को नींद आ रही थी. एक्सक्यूज मी, मैं 6 बजे उठ के आ गई थी. हमसे बोला था कि पूरी रात आप तो सोई रही थी तो आप तो रहने. आपने हमसे बोला था पूरी रात जगेंगे. 7 बजे तक तो उठा नहीं गया. इसमें इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले. ऐसा लग रहा है बीच में बैठ के इधर उधर कर रही हो. ये लो काउंटर पे. अभी वी आर ऑन आवर वे टू इंडिया गेट. इंडिया गेट पे आ गए. ये बॉय, वी आर गोइंग दिल्ली. गेट ऑफ इंडिया टू दिल्ली. बहुत ट्रैफिक है. हमको लगेगा अभी और 1 घंटा लगा के हम पहले यहाँ आए हैं. हाँ,
तो कह रही थी वहीं से चलते, लेकिन मेरी सुनता कौन है गाइस, मैं तो क्या ही करूं। हम ऐसे गंदे संदे पसीना बदबू मार रहे। वाओ, परफ्यूम किस लिए बनाया भगवान ने? इंसान ने क्यों? हाँ, इंसान ने क्यों बनाया? लगाने के लिए, आई नो, बट नहीं। अब ठीक है, कोई नहीं, घंटे में हम पहुंच जाएंगे। इतनी गर्मी है, उसके बाद हमें जाना है ज्योति के घर। भैया फाइनली पहुंच गए हम कुछ डेढ़ घंटे के बाद इंडिया गेट। चलो चले, फिर इंडिया गेट पहुंची है। इंडिया गेट ही पहुंची, सॉरी गेट ऑफ इंडिया। सारा का सारा है, हम आए हैं इंडिया गेट का। जा पूछ क्या? गेट ऑफ इंडिया। इंडिया गेट लेके जरूर जाना है। इंडिया गेट जरूर लेके जाऊंगी। भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, मैं नहीं करती हूँ ये गलती। छोटी बच्ची हो क्या? ओहो, हम आए हैं गेट। ये देख रहे हैं पुलिस, पोस्टर में से ही निकल के आएगी। बस अभी बताते हैं तुम्हें, मैं इंडिया गेट ही ले जाएंगे आज। हाँ, प्यास लगाई। क्या अंशिका कुछ कह रही थी आप? बस ये मिर्च मत, एक तो मैं तारीफ कर ली हूँ तेरी। गाइस ये बिल्कुल काम नहीं करती है, बिल्कुल बेकार काम करती है। सीखे ही जा रही है, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है। और बता, उठती नहीं है। एक घंटे सोने देते, बस एक घंटे। हमने कही थी कि रात को इतना करो डांस। 5 मिनट पहले उठी हो दीदी, आपके पास तो सुना रही हो। दीदी से 5 मिनट पहले उठी हूँ, तेरे से तो 1-1.5 घंटे पहले उठी हूँ। ये जिम्मेदार हो गई है, जिम्मेदार पतिव्रता नारी हूँ मैं। अच्छा, पतिव्रता जिम्मेदार नारी है। बॉय, तब गर्मी में ना जल भून गए हैं हम, पर फिर भी एंथू कटलेट बने हुए हैं हम। बड़ा मजा आ रहा है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आई थी गेटवे ऑफ इंडिया पे, तब मैं 5वीं कक्षा में थी। और गेटवे ऑफ इंडिया बोला। हाँ, ना लाइन पे। और ये जो दिख रहा है ना, इस जगह पे बैठ के हमने फोटो खिंचाई थी, मैंने और मतलब मेरी कंप्लीट फैमिली। मैं पोस्ट पिक्चर आई थी, और अगर मिल गई मुझे तो, बट इट्स सो नॉस्टैल्जिक। हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटो खिंचवाई थी, तब तो वो कैमरा रोल वाले कैमरा होते थे ना, तो एक ही फोटो पर डेवलप हो पाती थी। सॉरी, बट फोटो सेशन चल रहा है। ये बता रही है क्या करना है और वो कर रही है। हेलो दी, चिल्बी, यस, हेलो, हाय। आप लोगों को मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ, आप इनके पॉडकास्ट में आए थे ना? हाँ, मैं, हाँ, इनके पास। Hi, this is Voice Over Nidhi. अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इंट्रोडक्शंस नहीं दिए थे, एंड आई थॉट मेरे को इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। दैट्स स्नेहा, शी इज़ अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन। हम DM पे काफ़ी बात करते थे, एंड जब उसने मेरी स्टोरीज देखी कि मैं मुंबई आई हुई हूँ, शी वॉज़ लाइक, दी मिलना है ज़रूर। तो आई वॉज़ लाइक, ठीक है, कल मैं गेटवे ऑफ इंडिया जा रही हूँ। हाँ, मैंने इंडिया गेट का बहुत लफड़ा किया, सो आई जस्ट टोल्ड हर कि हाँ, मैं कल गेटवे ऑफ इंडिया जा रही हूँ, इफ़ यू कैन कम तो आप आके मिल सकते हो। एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग टाइम विद हर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। सो वी वेंट टू मैकडॉनल्ड्स, हैड सम फूड एंड स्पेंट सम रियली अमेजिंग टाइम टुगेदर। मैं आई थी केटीसी के लिए, आई रिमेंबर जुलाई का टाइम था, इतना सफोकेशन होता था बिकॉज़ ऑफ ह्यूमिडिटी। हां, बारिश जब तक अच्छे से नहीं होगी ना, मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या पियोगे? मैं पूछ लूं क्या पियोगे? हां,
कल भी ब्लॉग कर रही हूँ यहाँ तक का, फिर ये मेरे हाथ पर ऐसे थी ऊपर छोटू वाला ट्राइपॉड ले लो ना अब यार, वो कैरी करो जितनी देर में लगाओ उतनी देर में मोमेंट निकल जाता है, हैंडी नहीं रहता है। स्नेहा से मिलके हमें पहुंचना था ज्योति के पास एंड वी वर ऑलरेडी लेट। मैंने ज्योति को 2 बजे का टाइम दिया था एंड इट वाज ऑलरेडी आई थिंक 1:15 बज चुका था, और जहां हम थे वहां से ज्योति के घर पहुंचने में कुछ नहीं तो 2 घंटे लगने वाले थे। सो स्नेहा वाज सो स्वीट एंड बिकॉज शी इज़ अ लोकल, उसको पता है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे पहुँच सकते, तो हमने पकड़ी लोकल। आई सैट इन द लोकल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड क्योंकि एकदम CST से हमने लिया था तो वहीं से ट्रेन चलती है तो हमें आराम से बैठने की भी जगह मिल गई, एंड लाइक विद 45 minutes we were at the station जो कि nearest था ज्योति के घर से। थोड़ा सा लेट हुआ था हमको बट फिर भी टाइम से हम पहुंच गए थे। The next day. Hey guys, okay, so it's the next morning, but I'm just ending the vlog. अभी हम ज्योति के घर से जस्ट अभी आए हैं, कल रात को वी स्टेड देयर, बहुत सारी बातें करी ज्योति के साथ में, ऑब्वियसली आई कांट शो दैट ऑन कैमरा सो दैट्स लाइक पर्सनल बातें, एंड वी स्पेंड अ रियली गुड टाइम विद हर, एंड सुबह सुबह बस नहाए भी नहीं अभी हम, वी जस्ट केम टू आवर होटल, वी आर जस्ट पैकिंग, अभी हमें यहाँ से चेकआउट करना है एंड आगे क्या किया वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, जो इसके बाद वाला व्लॉग वो प्रॉब्लली पहले जा चुका होगा, आई डोंट नो व्हाट द ऑर्डर वुड बी, बट हाँ I hope you guys enjoyed this vlog so far. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून, टिल देन टेक केयर बाय। हम आए हैं इंडिया गेट का, गेटवे ऑफ इंडिया, और ये 70वां फोटो शूट होते हुए, एक फोटो में चैन ना आते हुए, बेचारी पीठ देखो उसकी बेचारी की क्या हो गई, बट कोई नहीं गाइस क्या कर सकते, अब हम जा रहे हैं भाई इंडिया गेट, बाय।